नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्विसेज न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। यदि आप हमारे न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैतूल, कल बैतूल के कारगिल चौक पर नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने सड़क पर जमकर किया हंगामा। मामला कल शनिवार का। शहर के कारगिल चौक पर यातायात पुलिसकर्मी महेश भलावी ने शराब पीकर बस स्टॉप के पास जमकर की नौटंकी। बैतूल पुलिस अधीक्षक सुशी सिमाला प्रसाद ने लिया मामले का संज्ञान, पुलिसकर्मी को किया लाइन अटैच। बैतूल चिचोली के पुलिस थाने में लगे जनसंवाद और शिकायत निवारण शिविर में बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद ने की मीडिया से चर्चा। लोग मुख्यालय तक नहीं आ पाते, क्या लोकल थाने से संतुष्ट नहीं हो पाते कार्रवाई को लेकर, और कुछ ऐसी शिकायतें जो बहुत लंबे समय से लंबित चल रही हैं, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें उचित निराकरण बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। तो हम आईओ से भी वन टू वन बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरी बात रेगुलरली थाना प्रभारी और जो SDOP है उनसे तो हो रही है, पर आईओ से बातचीत नहीं हो पाती। तो अगर उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है किसी केस के निराकरण में या शिकायत के निराकरण में, तो वो भी हमें समझ में आ जाता है और वो कठिनाइयां दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बैतूल के पारदीढ़ाना में पहुंची पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम, चलाया गया सर्चिंग अभियान। पुलिस के द्वारा अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने के मामलों को रोकने की जा रही है कवायद। बैतूल बडोरा रोड पर स्थित ताप्ती शिवपुराण कथा स्थल पर शिव भक्तों ने किया सुंदरकांड के पाठ का आयोजन। उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक बडोरा में शिवपुराण कथा स्थल पर पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा किया जाएगा कथा वाचन। बैतूल जामटी पंचायत में विश्व टॉयलेट दिवस पर पंचायत के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए आयोजित किए गए रंगारंग कार्यक्रम। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने जमकर खेले खेल। बैतूल सरपंच पति की दबंगई का वीडियो आया सामने। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। अधिकारियों के सामने उप सरपंच को सरपंच पति और जनपद सदस्य ने बुरी तरह पीटा। उप सरपंच ने कोतवाली में पहुंचकर तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई FIR। बैतूल की MLB स्कूल से NCC की 42 छात्राएं पहुंची जिला चिकित्सालय। जिला चिकित्सालय में कराया रक्त परीक्षण। बैतूल सारनी पुलिस ने खदान में चोरी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। 9 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को लोहे और स्क्रैप सहित अन्य सामानों की करी थी चोरी। दूसरी जगह पर बेचने के दौरान मुखबिर से मिली थी सूचना, जिसके बाद सारनी पुलिस ने दिखाई सक्रियता। शानगिरी और आदिल अंसारी नाम के दोनों आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बैतूल देवगांव के SD कॉलेज में अजाक थाना पुलिस के द्वारा चलाया गया जन जागरूकता अभियान। कॉलेज के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन ठगी और नशा मुक्ति को लेकर किया गया जागरूक। मुलताई बस स्टैंड मुलताई पर ABVP के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर आयोजित किए गए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। बालिकाओं ने रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा करी धारण, बनी आकर्षण का केंद्र। मुलताई नगर में मुलताई रेलवे स्टेशन पर बीती रात करीब एक घंटे तक खड़ी रही अमरावती से जबलपुर जाने वाली अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन, परेशान होते नजर आए यात्रीगण। प्रभातपट्टन गोदनी मंगोना खुर्द के बीच सड़क के किनारे बन रही है रिटर्निंग वॉल। RSK कंपनी द्वारा लिया गया है ठेका। कंपनी के द्वारा बरती जा रही है घोर लापरवाही। सड़क के किनारे बिना किसी बैरिकेडिंग के
खोदा गया है बड़ा गड्ढा, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। मुल्ताई ग्राम खतेड़ा कला में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर निकाली गई जागरूकता रैली। विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का दिया गया संदेश। मुल्ताई ग्राम शेरगढ़ में सर्वर डाउन की समस्या। समस्या के चलते राशन वितरण में आ रही है परेशानी। जिले भर के सभी राशन वितरण दुकानदार है परेशान। कल भी शेरगढ़ में घंटों इंतजार करते दिखाई दिए उपभोक्ता। आमला बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद के निर्देशों के बाद आमला में चलाया जा रहा है नशा मुक्ति अभियान। इसके अंतर्गत कल आमले के करीबन आधा दर्जन से अधिक गांव में नशा मुक्ति अभियान और अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग ने करीबन 67,500 रुपए की पकड़ी महुआ शराब। बड़ी मात्रा में महुआ लहान को किया गया नष्ट। सारनी के वार्ड क्रमांक 11 में एक घर में निकला रसल वाई पर स्नैग। सांप निकलने से घर में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पहुंचे सर्प मित्र आदिल खान, सांप का किया सुरक्षित रेस्क्यू। घोड़ाडोंगरी कल घोड़ाडोंगरी पहुंची मध्य रेल नागपुर मंडल की डीआरएम। रेलवे स्टेशन, रेलवे गेट और कॉलोनी का किया निरीक्षण। घोड़ाडोंगरी पाथाखेड़ा के इंदिरा पार्क में कल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मनाई जयंती। इंदिरा पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भैंसदई झल्लार ग्राम पंचायत के सभा कक्ष हॉल में विकास कार्यों को लेकर आयोजित की गई बैठक। मनीष राठौर बने नियोजन समिति के अध्यक्ष। आठनेर नगर परिषद प्रांगण में सामाजिक न्याय विभाग के तत्वाधान में कथा पृथक दल ने कल नशा मुक्ति को लेकर चलाया जन जागरूकता अभियान। चिचोली के तहसील कार्यालय पहुंचे सिंगरई खापा के आधा सैकड़ा से अधिक लोग। मुआवजे सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कल तहसीलदार रोहित विश्वकर्मा को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।